हेलो जी, आप सभी को दिल से राधे राधे। और आज मैंने बनाए हैं ब्रेड के गुलाब जामुन। तो आप देख सकते हैं, जितने देखने में अच्छे लग रहे हैं उतने खाने में भी अच्छे हैं। तो बिल्कुल भी देखकर ऐसा नहीं लग रहा है जैसे ब्रेड से बने हुए गुलाब जामुन है। तो आप भी एक बार ट्राई जरूर करना। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने ब्रेड ले लिए, आप ब्रेड की संख्या बढ़ा सकते हैं। अब इनको मैं बारीक कट कर लेती हूँ। ये मैंने हल्का गुनगुना दूध लिया है, इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर आटे की तरह गूंथ लूंगी। जैसे हम आटा गूंथते हैं उसी तरह से अच्छी तरह से गूंथ लूंगी। तो मैंने ब्रेड को अच्छी तरह से गूंथ लिया। इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच घी, ताकि चिपके नहीं, मुलायम गुलाब जामुन बने। तो अब मैं गुलाब जामुन को छोटी छोटी शेप दूंगी, ज्यादा बड़ी नहीं दूंगी। तो सारी गुलाब जामुन मेरे बनकर तैयार हो गई हैं। और गैस पर रख दिया कढ़ाई, इसमें डाल दूंगी मैं 1 गिलास पानी चाशनी के लिए। इसमें डाल दी मैंने 1 कटोरी चीनी। अब इसे मैं चलाती रहूंगी ताकि चीनी घुल जाए। ये डाल दी मैंने इलायची। अब चाशनी को अच्छी तरह से पकने देती हूँ। चाशनी को मुझे ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है, ना पतला ही रखना है। चाशनी ठंडी होकर थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, तो मैंने गैस को बंद कर दिया है और चाशनी को मैं गैस पे तो उतार लेती हूँ। अब गैस पर रख दी मैंने दूसरी कढ़ाई, इसमें डाल देती हूँ ऑयल। आप घी में भी बना सकते हैं। ऑयल मेरा गरम हो गया, इसमें मैंने सारी गुलाब जामुन को डाल दिया है। अब धीमी आंच पर इनको पकने देते हैं। आप देख सकते हैं गुलाब जामुन को कलर आने लगा है। धीमी आंच पर ही पकाना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो गुलाब जामुन मेरी सिक गई, अब इनको निकाल लेती हूँ। तो चाशनी में डाल देती हूँ। अच्छी तरह से चाशनी में इनको डुबो दूंगी ताकि चाशनी अंदर तक चली जाए। अब मैं इनको अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। थोड़ा ऑयल सा दिख रहा है, ये घी का है। अब इसे मैं ठंडा होने देती हूँ। तो ये 2 घंटे हो गए थे, आप देख सकते हैं चाशनी कितनी गाढ़ी हो गई है। आपको मैं प्लेट में कट करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं चाशनी कितनी गाढ़ी हो गई है। Thank you.
आप देख सकते हैं अंदर से कितने मुलायम हुए हैं और रस भरे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। धन्यवाद।